नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दशमलव के जोड़, दशमलव के घटा, दशमलव के गुणा, दशमलव के भाग सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। चलते हैं दशमलव के जोड़। देखिए, दशमलव को जोड़ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे दो अंक पहले मैं ले रखा हूँ। एग्जाम्पल 5 × 2, 2 × 3। अब 5 × 2 कैसे करेंगे दशमलव को, देखिए इसमें दो अंक हैं, एक तो दशमलव के बाद वाला नंबर है, एक दशमलव से पहले वाला नंबर है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, देखिए 5 × 2। ठीक है, 5 × 2 लिखने हैं। दशमलव के बाद वाला जो नंबर है दशमलव से बाद वाला आएगा, दशमलव के राइट साइड में जो नंबर है वो राइट साइड में आएगा। तो ये है 2, दशमलव सामने दशमलव रहेगा। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के बाद वाला नंबर ऐसे चलेगा, दशमलव के राइट साइड का नंबर ऐसे चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 भी लिख देते हैं, 5 होता तो 5 भी लिख देते हैं, यहाँ पे 5 होता तो 5। इस तरह से हम चलते हैं। ठीक है, चलिए अब दशमलव के जो पहले से लेफ्ट से शुरू करते हैं। मैथ में क्या है, आपको लेफ्ट से एडिशन सारे जो एक्शंस करने होते हैं लेफ्ट से करना होता है कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 कितना होता है, 5। तो ये 5 आ जाएगा और फिर यह दशमलव है तो दशमलव डाल देंगे। ठीक है, और 5 2 7 ये आंसर हो जाएगा 7.5। इसका आंसर हो जाएगा सेम उसी प्रकार का। अब इसका करके दिखाते हैं, 3.27। और देखिए दशमलव लिख दिया मैंने, ये 3 लिख दिया और इधर 2 है, 2.3 है तो 2.3 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला अंक हमने छोड़ दिया तो इसके सामने हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 7 + 0 इसका 2, 7 2 + 3 5 जोड़ करनी है, और 3 + 2 कितना होता है, 5। दशमलव का दशमलव ये 5.57। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट में बताता हूँ, तो 0.567 है, और देखिए दशमलव यहाँ रख दिया मैंने, 2 3, और 2 आगे वाला हम लिखेंगे 2.23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 7 0 7 6 3 9 5 और 2, 7 0 2 2, तो 2.797 ये इसका आंसर होता। ठीक, इसका दूसरा तरीका एक और भी है जिसको हम फ्रैक्शन के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के माध्यम से अगर सॉल्व करना चाहें तो 2 + 2.3 दिया हो, इसको फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में, इसको हम दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद नंबर काउंट करेंगे, 1 नंबर है तो 1 0 आ जाएगा, 2 नंबर होगा तो 2 0 होगा, 3 नंबर होगा तो 3 0 आएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करेंगे, इसको उड़ाएंगे दशमलव को 1 आ जाएगा और 1 नंबर है तो 1 0। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर एलसीएम सीखना है आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एलसीएम देख लें कि कैसे एलसीएम किया जाता है। ठीक है, तो 10 और 10 दोनों ये हर हैं, हर का एलसीएम अगर 10 का 10 एलसीएम करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को इसको इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52 52, और सेम ये आ जाएगा 23। तो ये हो जाएगा 23 और 52, ये हो जाएगा 75, 3 और 2 5 और 2 5 7, 75/10। अब सेम प्रोसेस अब उल्टा करेंगे, दशमलव में अगर ये हो गया भिन्न, भिन्न को हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, नीचे देखें कितने 0 है तो 1 0 है तो 1 नंबर आ गया, उसके बाद 1 लिखा हुआ है तो उस 1 नंबर के बाद दशमलव हम डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए आंसर दोनों मिल गया 7.5 7.5। इस तरह से आप इसको सिंपल जोड़ से भी जोड़ कर सकते हैं, या फिर दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करके उसके बाद आप कर सकते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग का अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक डाला हुआ है, तो वो वहां से जाके आप देख लें। चलिए अब चलते हैं आगे, दशमलव का घटाव करते हैं। दशमलव का घटाव कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे भी, जैसे हम जोड़ करते हैं वैसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5.2 लिखा हुआ है और 2.3, दशमलव के सामने दशमलव रहेगा
ठीक है, अब तीन में से दो तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे इधर से एक पैंचा लेंगे जिसको हम उधार बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम उधार लेंगे, पैंचा लेंगे या उधार बोलते हैं, उधार लेंगे तो ये देगा कितना, 10, ये हुआ 10 और 10 दो 12, इसमें प्लस हो जाएगा 2 तो ये हो गया 12, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 और ये दशमलव का बीच में, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, जैसे यहाँ से काउंट करते जाएंगे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा 2.9, 2.9, ठीक है। अब सेम इस प्रकार यहाँ करते हैं, 3.27 दिया हुआ है और 2.3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस है, 7 में से जीरो हो गया 7, ठीक है, 7 में से जीरो हो गया 7। अब ये बचा 2, 2 में से 3 नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ से एक पैचा और चाहिए, इसको उधार बोलते हैं, इसको उधार चाहिए एक 10, तो ये फिर हो जाएगा 10, ये दिया इसने और 2 इसके पास पहले से ही है तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, 3 माइनस होगा तो ये बचा 9, ये हो जाएगा 9 और दशमलव का दशमलव। अब बचा 2, क्योंकि एक इसने दे दिया तो ये बचा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो ये हो जाएगा 0.97, ठीक है। सेम प्रोसेस इसका भी है, अब ये वाला लास्ट वाला कर देते हैं, यहाँ करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब है 0.567, ठीक है। अब 2.23, अब यहाँ इसके सामने जीरो लगा रहे थे क्योंकि कुछ नहीं है तो जीरो क्या करना है, माइनस, 7 में जीरो जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 0 में से जो जाएगा नहीं। ये बच्चों के लिए तो गलत हो गया, ये क्वेश्चंस यहाँ पे होना चाहिए था इससे बड़ी नंबर, क्योंकि ये 2 है, 0 में से ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसमें से घटेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या दशमलव में से कौन सा नंबर किस में घटेगा या नहीं घटेगा, तो ये 0 से जो 0., जो भी नंबर होता है ये 1 से छोटा नंबर होता है, और यहाँ पे देखिए ये 2 से बड़ा नंबर है, यानी कि 1 से छोटे नंबर में 2 से बड़े नंबर कभी भी नहीं घट सकता है, ठीक है, नहीं तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब गुना, गुना कैसे करते हैं, देखिए गुना कैसे करते हैं, मैं गुना बताता हूँ आपको, 1.202, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो सिंपल इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर दशमलव हम पुट कर लेंगे, इसको हम अगर हम चाहें तो भिन्न में भी कन्वर्ट करके हमारा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको गुना कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो गुना करेंगे 2 2 4, 2 0 0, 2 को 2 1 2, 1 2 फिर से क्योंकि सेकेंड पोजिशन पर है तो पहले पोजिशन पर 0, 1 2 2, 0 का 0 और 1 1, ये हो जाएगा 4 2 2 1। अब देखिए यहाँ पे क्या दशमलव पुट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दशमलव देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो 2 और यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो +1 कितना हो गया, 3, 3 अंक के बाद हम दशमलव डालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट सम काउंट करेंगे 3 1 2 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, 1 2 2 4, आप इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले बताता हूँ आपको, दूसरा एग्जांपल क्या है, 1. सेम फिर इसमें क्या है 1.2 और 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10, 5 1 5 और 6 12 5 60 और 12 1 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180।
अब यहाँ पे देखिए एक एक नंबर यहाँ पे है और एक नंबर यहाँ पे है, तो वन 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 प्लस वन इजकल टू वन प्लस वन इजकल टू टू, तो दो नंबर लेफ्ट से काउंट करेंगे, दो नंबर, दो नंबर कितने हैं जीरो और आठ, इसके बाद लगाएंगे दशमलव। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ये है, अब इसको मैं बताता हूँ आपको, 2.567, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1, 2, 1, एक दशमलव दो से, ठीक है। अब एक दशमलव दो से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1, 7, 6, 5 जैसे नंबर है वैसे आ जाएगा, चेंज कुछ नहीं होगा। दो से अगर मल्टीप्लाई करें, दूसरे पोजीशन का नंबर है तो पहले पोजीशन पर जीरो, दो से मल्टीप्लाई कर 7 × 2 = 14, 12 × 6 = 12, 1 = 13, हाथ में 1, 5 × 10 = 11, ठीक है। फिर सेम एक से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से नंबर, क्योंकि दो नंबर तीसरे पोजीशन पे, तो दो पोजीशन पे जीरो, और फिर 7, 6, 5, ये हो जाएगा 7, 10 = 0, हाथ में 1, 6, 4, 10, 0, हाथ में 1, और ये बचा 5, 3, 8, 8, 7, 15, 1, 16, 1 और 6, 7 और 1, 8, 1 और 5, 6, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम डेसिमल इसको लगाना है, तो यहाँ पे कितना नंबर पहले से दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 3, 1, 2, 3, ये 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 3 और 2 = 5 हो गया, 5 हो जाएगा, 5 नंबर लेफ्ट से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ये पाँचों नंबर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, और दशमलव ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे 0, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.68607, ये हो जाएगा दशमलव का गुना। चलिए दशमलव का भाग देखते हैं, दशमलव का भाग कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, बस उसमें क्या था, अगर हम गुणा करते हैं तो दशमलव के नंबर जो उसके बाद जो नंबर है उसको हम ऐड करते थे, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, वहाँ पे एडिशन था और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, ठीक है, घटा होगा। तो यहाँ पे देखिए 2.6 है और ये 5.2 है, तो अभी मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, ठीक है, मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो 26 × 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब क्योंकि एक नंबर यहाँ पे भी है, एक नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे है और माइनस एक नंबर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 नंबर के बाद, मतलब कोई भी नंबर के बाद डेसिमल नहीं डालना है, तो ये हो जाएगा आंसर 2। सेम प्रोसेस अगर यहाँ करते हैं तो पहले देख लेते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं 132 में, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 6 बार, 6 के टेबल में 12 आ जाता है, 12 ये हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2, फिर से 6 के टेबल में आता है 12, ये हो जाएगा 12 − 0, 0, ठीक है। तो इसका जो डिवीजन आया वो कितना आया है, 66। अब यहाँ पे काउंट करेंगे कितना नंबर है यहाँ पे, 2, तो 2 नंबर यहाँ पे डाला और एक नंबर यहाँ पे है, तो −1, ये हो जाएगा 1, तो एक नंबर के बाद डेसिमल दशमलव पुट करेंगे, तो एक नंबर यहाँ काउंट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, ठीक है। इस तरह से आप डेसिमल पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे 0 का कोई मतलब भी नहीं होता, 0 हटा भी सकते हैं आप, चाहे लगा भी रहने दे कोई बात नहीं, 0 का भी काउंट नहीं होता है 0 भाग में, क्योंकि दशमलव के बाद वाला 0 कोई मतलब नहीं होता है, 0 का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 556 को हम 223 बार में करेंगे, ठीक है, तो 556 को हम 223 बार में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से कर देंगे तो 2 बार में लगेगा, 2, 6, 4 और ये 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये 1, ठीक है। तो 110 बच गया आपका शेष, तो इसका प्रॉपर नहीं हो पाएगा फ्रैक्शन, ठीक है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर डेसिमल में वैल्यू जाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर यहाँ पे हैं, 2 नंबर यहाँ पे, तो डेसिमल में जो वैल्यू आएगा 2 point something आएगा, 2 दशमलव डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लगाते चलेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा इसका आंसर होगा
दो दशमलव कुछ, ठीक है। इस तरह से आप डिवीजन या भाग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।